सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट आए हुए थे कि भाई आप ड्राइवर के काम के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर सूरत में हमको ड्राइविंग का काम करना हो अभी के टाइम पे तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी हमको सैलरी मिल जाती है अगर हम एक कार ड्राइवर हैं या फिर टैक्सी ड्राइवर हैं या फिर एक ट्रक ड्राइवर हैं और हमको काम करना है सूरत में तो हम कैसे कर सकते हैं। और कई लोग ये कह रहे थे कि भाई सूरत में अगर हमारा कोई जान पहचान का नहीं रहता है, किसी को हम जानते नहीं है, तो हमको जॉब कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी टाइप के ड्राइवर हो आप एक काम करो, अगर आपको अप्लाई है सूरत में, तो अगर आपको जॉब चाहिए सूरत में, देखो सूरत में ड्राइवर्स की डिमांड तो काफी अच्छी है और सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। कितनी मिलती है मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप किसी भी टाइप के ड्राइवर हो तो आपके पास दो चार चीजें होनी चाहिए जो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कितने तक आपको सैलरी मिल जाती है, कौन से ड्राइवर को कितने तक सैलरी मिल जाती है और ड्राइविंग पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है सूरत में। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं, आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम ड्राइविंग में 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास हो। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या क्या कितने तक सैलरी मिल जाती है कौन से ड्राइवर्स को और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर आपको सैलरी की बात करें, अगर आप एक कार ड्राइवर हो तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलती है कार ड्राइवर्स को, जो पर्सनल ड्राइवर्स होते हैं, हाउस ड्राइवर्स होते हैं या फिर कंपनीज के जो ड्राइवर्स होते हैं, उनकी ऑन एन एवरेज सैलरी जो होती है 15,000 से लेकर के 28,000 से 29,000 के बीच में मिल जाती है। मतलब 15,000 से 28,000 के बीच में मिलती है ऑन एन एवरेज, इससे ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, बट इतने तक आप आराम से अर्न कर सकते हो। प्लस इसमें बोनस भी मिल जाता है, आप लोगों को खाने पीने की भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं ड्राइवर्स को, और प्लस आपको टिप भी मिलता है कई सारी अच्छी अच्छी। तो ये होता है ड्राइवर्स में। ठीक है, कार ड्राइवर्स में। अगर आप ट्रक ड्राइविंग काम करते हो तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी है सूरत में वो लगभग 20,000 से लेकर के लगभग 35,000 के बीच में है। प्लस आपको टिप का पैसा मिलता है, प्लस आपको खाने पीने के पैसे मिलते हैं और प्लस आपके राउंड के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके लिए आपको ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस, आपका प्रोफेशनल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि और भी जो ड्राइवर हो, जैसे आप जो वैन ड्राइवर होते हैं या फिर छोटे मोटे ड्राइवर हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इन सब की सैलरी भी लगभग वही 15,000 से 25,000 के बीच में मिल जाती है। इतने तक आप आराम से ड्राइविंग के अर्न कर सकते हो। देखो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हो। दो वेबसाइट बता देता हूँ, एक indeed.com करके है और एक LinkedIn है, दोनों ही बहुत अच्छी वेबसाइट है। वहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको सूरत में ड्राइविंग का काम मिल जाएगा किसी भी टाइप के ड्राइवर हो। वहाँ पे आप सर्च करोगे ट्रक ड्राइवर जॉब इन सूरत, कार ड्राइवर जॉब इन सूरत, तो आपको वहाँ पे सारे जॉब्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो अप्लाई करने में, तो आप कमेंट करके जरूर पूछो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।